ये कहानी है ऐसे मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में जहाँ बड़ा सर बड़ा हाथी भी छोटा सा होता है और छोटी सी छिपकली एक बड़े डायनासोर के जैसे दिखती है। और ऐसा मिस्टीरियस आइलैंड जहाँ पर एक ज्वालामुखी जो कि प्योर गोल्ड उगलती है। तो बिना किसी देरी के हम कहानी को स्टार्ट करते हैं, द जर्नी ऑफ मिस्टीरियस आइलैंड। और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम सीन होता है और वो एक सैटेलाइट टावर के अंदर चोरी छुपे घुसना चाहता है, लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे बिना किसी फाइल बनाए हुए उसको छोड़ दी है, क्योंकि उसके सौतेले पापा पुलिस वालों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और सीन के सौतेले पापा का नाम हंक होता है और वो उसे अपने घर ले जाते हैं जहाँ पर उसकी मम्मी उसके ऊपर चिल्लाती है जिसका नाम लीज होता है। लेकिन बाद में सीन उन दोनों के ऊपर ऊंची आवाज़ में बात करके अपने रूम में चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि सीन सैटेलाइट टावर में किस लिए गया था, क्योंकि उसके दादाजी का उसको लेटर मिला था। सीन के दादाजी एक खोजकर्ता थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने में लगा दी। और उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने में ही एक दिन वो अचानक से गायब हो गए। और हमें दिखाया जाता है वो मैसेज जिसे सीन समझ नहीं पाता है, और वहाँ पर आता है हंक और उसको उस मैसेज को समझने में उसकी मदद करता है, क्योंकि वो एक रिटायर्ड सोल्जर होता है। और इसी बहाने वो अपने बेटे सीन के साथ कुछ समय बिता लेता है। और जब सीन और हंक मिलकर उस मैसेज को डिकोड करते हैं तो उसके अंदर उनको 3 किताबों के नाम पता चलते हैं और वो उन 3 किताबों को ढूंढ लेते हैं। और उनके पहले पन्ने के ऊपर उनको एक आइलैंड का मैप मिलता है और सीन हंक को समझ में आ जाता है कि ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही आइलैंड का मैप होता है। और सीन हंक से वहां जाने की जिद करता है जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर होता है। हंक वहां जाने के लिए मान जाता है लेकिन एक ही शर्त पे कि वो भी उसके साथ जाएगा। और ये दोनों फ्लाइट से पलाऊ पहुंच जाते हैं जहां पर ये एक से फायर करने के लिए सोचते हैं, लेकिन शिप का मालिक मैप देखते ही अपने आप मना कर देता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। लेकिन सीन उसे $1,000 का ऑफर भी देता है लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। लेकिन वहाँ पे खड़ा एक आदमी जिसका नाम गबेटो होता है वो उस वहाँ जाने के लिए हाँ कर देता है। और वो वहाँ पर जाकर सीन को अपना हेलीकॉप्टर दिखाता है जो कि एक बंजर खटारा होता है। पहले तो सीन हेलीकॉप्टर के लिए मना कर देता है लेकिन जब उसकी बेटी कल्याणी को देखता है तो वो उसे हाँ कर देता है, क्योंकि वो सफ़र के दौरान उसे पटाना चाहता था। और ये चारों वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाते हैं मिस्टीरियस आइलैंड की तरफ। और सफ़र के दौरान सीन कल्याणी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कल्याणी उसे ज़रा सा भी भाव नहीं देती। और वहीं पर हंक और गबेटो उस मिस्टीरियस आइलैंड की तरफ पहुंच जाते हैं और जहां पर वो देखते हैं कि वहां वे बड़े बड़े बवंडर और आंधी तूफान होता है। और एक बवंडर के अंदर उनका हेलीकॉप्टर फंस जाता है और वो लोग उस आइलैंड के ऊपर क्रैश हो जाते हैं, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर की पूरी तरह से वाट लग जाती है। तभी सीन और हंक बताते हैं कि हम यहाँ पर अपने दादाजी को लेने आए हैं जो कि यहाँ पर फंस गए थे। और जब वो दूसरी तरफ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आइलैंड होता है। और वहाँ पर वो आगे जाकर देखते हैं कि हाथी साइज में बहुत ही छोटा होता है। और जब वो लोग आगे जाते हैं तो कुछ दूर आगे चल के वो छोटी छोटी चट्टानों के ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये चट्टानें नहीं बल्कि छिपकली के अंडे होते हैं। और गबेटो एक छिपकली के अंडे के अंदर धंस जाता है और वहाँ के अंदर के जानवर को देखकर वो बाहर आके ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे छिपकली उठ जाती है और इन लोगों के पीछे पड़ जाती है। और ये अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगते हैं लेकिन वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लकड़ियों का जाल होता है जो छिपकली के अंदर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और वहीं हमें दिखाया जाता है जो कि सीन के दादाजी उनको बचाने के लिए आ जाते हैं जिनका नाम अलेक्जेंडर होता है। वो उन लोगों को अपने घर ले जाते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर होता है जहाँ पर खाने पीने की और सारी सुख सुविधाएँ होती है। और वो सोचते हैं एक रात वहीं पर बिताते हैं। और दूसरे दिन अलेक्जेंडर उन लोगों को एक खूबसूरत जगह पर ले जाते हैं। और वहां जाते समय सीन फिर से कल्याणी के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन कल्याणी उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती हैं। और खैर हमें दिखाई जाती है एक बहुत ही खूबसूरत सिटी जो कि अटलांटिस राज करते थे और वहाँ के राजा का नाम नेमो था और उसी ने इस भव्य महल का निर्माण कराया था। और वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर
अलेक्जेंडर बताते हैं कि ये आइलैंड 140 वर्षों के चक्र में चलता है, जिसमें 70 वर्ष पानी के नीचे रहता है और 70 वर्ष पानी के ऊपर रहता है, और इसे वापस जलमग्न होने में अभी भी 13 से 14 वर्ष बाकी हैं। और थोड़ी दूर आगे जब हांग जाता है और वहां के पानी को जब वो चखता है तो वो पाता है कि वो पानी बहुत ही सॉल्टी होता है, यानी कि सॉल्टी होने का मतलब है कि ये पानी समुद्र का होता है। और जंगी ने बताता है कि ये आइलैंड 2 से 3 दिनों में जलमग्न हो जाएगा, और ये लोग उसकी बात पर यकीन करके वो ये सोचते हैं हम कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाज़ और प्लेन तो उस बवंडर से टकरा कर टूट जाते हैं। तभी सीन को याद आता है कि 1817 में यहाँ के राजा नीमो ने यहाँ पर सबमरीन का निर्माण किया था। तभी अलेक्जेंडर बताते हैं कि उस सबमरीन का राज नीमो के साथ ही दफन हो गया था, और वो लोग नीमो की कब्र के पास जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं एक छोटी सी सुरंग होती है जिसके अंदर केवल कल्याणी ही जा पाती है, और कल्याणी अंदर चली जाती है और वहाँ वो देखती है कि वहाँ पर एक किताब होती है, और जैसे ही वो किताब अलेक्जेंडर के हाथ से निकालती है तो वहाँ पर वो गुफा ढहने लगती है, और गुफा ढहने से पहले कल्याणी बाहर आ जाती है। और अलेक्जेंडर उस किताब को डिकोड करके बताते हैं कि सबमरीन आइलैंड के दूसरी तरफ होती है, वहाँ जाने के लिए हमें जंगल के बीचों बीच होकर जाना पड़ेगा, और ये रास्ता बेहद ही खतरनाक होता है। और ये लोग वहाँ जाते हुए वहाँ पर ज्वालामुखी को देखते हैं जो कि सोना उगल रही होती है, क्योंकि नीमो ने अपना सारा उस ज्वालामुखी में डाल दिया था। इसी तरह वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर से सीन कल्याणी से बात करने लगता है, और कल्याणी इस बार बात करती है, और ये लोग एक पहाड़ को पार करने के लिए अलेक्जेंडर इन लोगों को मधुमक्खियों के ऊपर बिठाता है, और ये मधुमक्खियाँ बहुत ही बड़ी होती है, और ये लोग उसके ऊपर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ जाते समय खूबसूरत झरनों का अनुभव लेते हैं। लेकिन इनके पीछे एक बड़ी सी चिड़िया पड़ जाती है जो कि इन मधुमक्खियों को खाती है, और तीनों को पीछे चिड़िया पड़ने से ये लोग उनका सामना करते हैं, और हंक और सीन मिलकर दो चिड़िया को एक साथ लड़ा देते हैं, जिससे वो दोनों मर जाती है। और कल्याणी का सामना कर रही होती है, और वो उस मधुमक्खी से टकरा कर कल्याणी को नीचे गिरा देती है, और कल्याणी जब नीचे गिरने वाली होती है कि सीन आकर उसे बचा लेता है, और वो जैसे फिर से वो चिड़िया उनके पीछे पड़ जाती है, और वो कल्याणी को नीचे उतार कर सीन अकेले उसका सामना करने लगता है, और वो बड़ी ही चालाकी से उसको एक मकड़ी के जाल में फंसा देता है। लेकिन थोड़ी देर आगे जाके खुद भी एक जाल से टकरा कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके एक पैर की एक हड्डी टूट जाती है, और अलेक्जेंडर और हंक वहाँ पर आते हैं और उसे एक महफूज जगह पर ले जाते हैं, और वहाँ पर कल्याणी और गवेटो पानी लेने चले जाते हैं, और अलेक्जेंडर और हंक मिलकर उसकी हड्डी को सीधा करते हैं, और वो लोग वहीं पर रात बिताते हैं। और जब सुबह होती है तो पानी का स्तर बहुत ही ऊपर आ गया होता है, और इन लोगों को कुछ ही घंटों में सबमरीन के पास जाना होगा। लेकिन सुबह होने से पहले ही गोबेटो वहाँ से सोना लेने के लिए निकल गया होता है, और उसको लाने के लिए वहाँ से अलेक्जेंडर और कल्याणी निकल जाते हैं, और हंक और सीन मिलकर सबमरीन की तरफ निकल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग किनारे पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सबमरीन नहीं होती, क्योंकि रात भर में सबमरीन 100 फीट नीचे पानी के अंदर होती है, और वो लोग वहाँ पर मरीन को लाने की प्लानिंग करने लगते हैं। वहीं हमें गबेटो को दिखाया जाता है जो एक सोने का बड़ा सा पत्थर मिल जाता है और वो उसे लाने की कोशिश करता है। वहीं कल्याणी और अलेक्जेंडर आकर उसे बोलते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, और वहीं हमें हंक को दिखाया जाता है जो 2 प्लास्टिक के बैग के अंदर ऑक्सीजन भरता है, और दोनों अपने आप पीछे लटका कर पानी के अंदर कूद जाते हैं, और 50 से 60 मीटर नीचे जाकर एक बार ऑक्सीजन लेते हैं, और बाद में वापस वो लोग सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन सबमरीन का गेट जो कि जाम हो गया होता है, और बड़ी ही मुश्किल से उसको खोलने में उनकी दूसरी ऑक्सीजन भी यूज़ हो जाती है। तभी हमें वहाँ पर एक मछली दिखाई जाती है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करती है, और वो उन पर हमला कर देती है। लेकिन दूसरा हमला करने से पहले वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं, सबमरीन के अंदर जाकर उसका सारा पानी निकालते हैं और उसकी लाइट्स ऑन करते हैं। लेकिन सबमरीन को चालू करने के लिए ये लाइट्स काफ़ी नहीं होती, क्योंकि इनकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, और इनको स्टार्ट करने के लिए उनको एक बड़े से इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत होती है। वहीं पर एक हंक एक बड़ा सा भाला तैयार कर लेता है, और वहीं हमें दिखाया जाता है कि
कल्याणी अलेक्जेंडर और गोबेटो पानी के अंदर फंस जाते हैं और वो लोग एक चट्टान के ऊपर फंस जाते हैं और वहीं पर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वहीं हमें दिखाया जाता है हंक वो भाला लेकर बाहर चला जाता है और उस फिश के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे एक बड़ा सा झटका प्रोड्यूस होता है और सबमरीन चालू हो जाती है। यहीं हमें अलेक्जेंडर और उन लोगों को दिखाया जाता है जो पानी के अंदर गिर जाते हैं। पानी में डूबकर उनकी मृत्यु होती, उससे पहले ही सबमरीन लेकर सीन और हंक आ जाते हैं, उन लोगों को सबमरीन के अंदर ले लेते हैं। गोबेटो को कैप्टन की सीट पर बिठाकर हंक एक मिसाइल लेने चला जाता है और मिसाइल की सामने से एक बहुत बड़ी चट्टान सबमरीन के सामने आ रही होती है और मिसाइल को सेट करके चट्टान सबमरीन से टकराने से पहले उसे ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये लोग वहां से सफलतापूर्वक निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सीन अब कल्याणी को प्रपोज कर देता है और हंक और अलेक्जेंडर और गोबेटो बहुत खुश होते हैं। कल्याणी भी सीन के साथ रहती है और गोबेटो ने अपनी सबमरीन से बहुत पैसा कमा लिया होता है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें।